हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल टिप्स एंड टिप्स। दोस्तों, थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राइडर की। तो राइडर पर इसी महीने होंगे आदेश। मुख्यमंत्री ने महासंघ को वित्त विभाग से चर्चा करने के लिए दिए निर्देश। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, हाई ग्रेड पे के लिए लागू 2 साल की रेगुलर सर्विस के राइडर पर इसी महीने जयराम सरकार आदेश जारी करेगी। इससे पहले राजपत्रित कर्मचारी महासंघ को अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना के साथ बैठक करके मामले को सुलझाने के लिए कहा गया है। ये निर्देश मुख्यमंत्री ने महासंघ के अध्यक्ष अश्विनी ठाकुर और महासचिव राजेश शर्मा को दिए हैं। शुक्रवार को मंडी दौरे के दौरान राइडर में फंसे कर्मचारी राजेश शर्मा की अगुवाई में मुख्यमंत्री जी से मिले। इस दौरान सीएम ने खुद कहा कि 3 अप्रैल को अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के सम्मेलन में उन्होंने जो घोषणा की थी, उसके बाद अब अधिसूचना करवाने के लिए जो तर्क दिए जा रहे हैं उनमें अंतर है। इसलिए इस मामले को महासंघ पहले वित्त सचिव से चर्चा कर ले और उसके बाद तय करें। सरकार इसी महीने इस बारे में आदेश जारी करेगी ताकि कर्मचारियों को और इंतजार न करना पड़े। अब ये बैठक 15 जून के बाद होगी। वर्तमान में राइडर से संबंधित फाइल अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना के पास है और 2 बार इस पर मुख्यमंत्री से चर्चा हो चुकी है। गौरतल है कि 3 अप्रैल को शिमला के होटल पीटर हॉफ में हुए कर्मचारी सम्मेलन में अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की डिमांड पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि सरकारी विभागों में कार्यरत ऐसे कर्मचारी जो 3 जनवरी 2022 तक रेगुलर हो चुके हैं, उन्हें भी सरकार हायर ग्रेड पे का लाभ देगी। लेकिन बाद में मुख्यमंत्री कार्यालय से गए यूओ नोट में कहा गया कि 3 जनवरी 2022 तक कार्यरत कर्मचारियों को हायर ग्रेड पे का लाभ दिया जाए, जबकि वित्त विभाग के अधिकारी कह रहे हैं कि ये घोषणा सिर्फ 3 जनवरी 2022 तक रेगुलर हुए कर्मचारियों के लिए थी। इसी असमंजस के कारण सारा मामला अभी तक अटका हुआ है और अधिसूचना जारी नहीं हो पा रही है। लेकिन अब क्योंकि मुख्यमंत्री ने खुद स्थिति क्लियर कर दी है तो जल्द ही इसके बारे में अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। और दोस्तों, ये नोटिफिकेशन फुल क्लैरिटी के साथ जारी होनी भी चाहिए, क्योंकि अभी भी कुछ कर्मचारी पे फिक्सेशन की ऑप्शन देने के बाद या तो घाटे में चल रहे हैं या फिर रिकवरी का डर सता रहा है। तो ठीक है दोस्तों, इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो जल्द ही मिलेंगे ऐसी ही एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।